नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ, भले तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा किसी को मत दो। भले तुम जिंदगी में बहुत धोखा खा लो पर किसी को धोखा मत दो। धोखा खाने से तुम बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत कुछ जान पाओगे, समझ पाओगे, लोगों को जान पाओगे, आसपास की चीजों को समझ पाओगे, खुद को भी समझने लगोगे। लेकिन धोखा देने से तुम कभी भी अपना जीवन सुधार नहीं पाओगे। धोखा देके तुम्हें लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं धोखा देके झूठ बोल के जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। लेकिन तुम भ्रम में पड़ते हो, धोखा देके तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जिसको धोखा दोगे, जिसे झूठ बोलोगे, वो तो समझ ही जाएगा एक दिन, आज नहीं तो कल। तुम धोखा दे दे के खुद को चतुराई बना के सोच के तुम कभी चतुर नहीं बन पाओगे। तुम अपने जीवन में पीछे ही रहोगे, अपने जीवन को उच्चतर स्तर पर नहीं ले जा पाओगे, नीचे ही गिरोगे। लेकिन जो धोखा खाता है वे अपने जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जा सकता है। धोखा खा के वो इतना सक्षम हो जाता है कि संसार में किस तरीके से रहना है, लोगों से कितनी दूरी बनानी है, कितनी नज़दीकी रखनी है, सब उसको पता होता है। वे एक सक्षम इंसान बन जाता है। लेकिन जिसमें धोखा देने का प्रवृत्ति है वे जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाता, एक दिन उसको जरूर पछताना पड़ेगा। पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होगा, सुधार भी नहीं पाएगा, समय भी हाथ से निकल जाएगा। जो धोखा देता है उसे लगता है मैंने क्या किया जिंदगी में, मुझे तो लगता था सारा इंसान बुद्धू है, मैं सबको चौंका सकता हूँ, मैं सबको पीछे छोड़ सकता हूँ अपनी चतुराई से। लेकिन एक दिन जाके उसको पता चलता है वे सबको पीछे नहीं छोड़ा है, वे खुद पीछे छूट गया है। धोखा देने वाला पीछे छूट गया, धोखा खाने वाला आगे निकल गया। ज्ञान से, संपत्ति से वो लोग प्रसन्न रह पाते हैं। रो लिया उसी वक्त, लेकिन उसने आगे जिंदगी कैसे जीना है सीख लिया। लेकिन जिसमें धोखा देने वाला प्रवृत्ति है उसको बाद में जाके पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता ही नहीं। जीवन को, इस उम्र को कैसे जीना है, कैसे एक सक्षम बन के रहना है पता ही नहीं। उसके पास बुरा विचार, बुरा ख्याल, पछताना, इसके सिवा कुछ होता ही नहीं। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है, तड़पता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, धोखा खाके तुम्हारा क्या जाता है, थोड़ा समय जाता है। किसी को तुमने विश्वास किया था, वो विश्वास टूट जाता है। कुछ थोड़ा बहुत पैसों का भी हानि हो सकता है, लेकिन तुम बहुत कुछ सीख पाओगे, जान पाओगे जिंदगी कैसे जीना है, लोगों के साथ कितना दूरी बनाना है, कितनी नज़दीकी रखनी है, वो भी जान पाओगे। समाज में कैसे रहना है, खुद को कैसे रखना है, सब कुछ जान पाओगे, समझ पाओगे। तुम्हारे पास समझ हो तो तुम जल्दी ही बहुत कुछ समझ पाओगे। धोखा खाके रोने से ज़्यादा उस चीज पे विचार करो और समझो, जिंदगी आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम धोखा खा रहे हो और बुरे बन के
सबके लिए बुरे विचार रखते हो। नहीं, तुमने धोखा पाए हो, लेकिन सबके लिए अच्छे विचार ही रखो। लेकिन किसी के साथ इतना नजदीकी नहीं बनाना कि वो तुम्हें फिर धोखा दे। खुद को सावधान और अच्छे समझ से चलो। जो धोखा देता जाएगा वो एक दिन खुद ही बड़े धोखे में पड़ेगा। जिंदगी ने उसे ही कितना बड़ा धोखा दिया वो तब जानेगा। सबसे नीचा पाएगा खुद को। वो खुद से कैसे छिप सकता है, खुद को कैसे भूल सकता है। जब तक थोड़ी भीड़ है आसपास तो हो सके भूल भी जाए खुद को। जब अकेले हो तब क्या करेगा, नरक होगा जीवन। इसीलिए धोखा खाए हो तो कोई नहीं, उससे सीख जाओ। अपना जीवन हो या व्यवसाय, दोनों में ऊपर उठ जाओ। मुझे दुनिया ने धोखा दिया, मैं भी धोखा दूंगा, ये विचार तक मत लाओ। तुम्हारा सोच अच्छा रखो, सरल बनो और अच्छे व्यवहार से आगे बढ़ जाओ। तुम जरूर जिंदगी में उच्चतर शिखर पाओगे, जिंदगी में खुश रह पाओगे, प्रसन्नता से कैसे जीना है समझ पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज तुम धोखा खा लो भले ही, लेकिन किसी को धोखा मत दो और किसी को धोखा देने का विचार भी मत लाओ। तुम अच्छे सोच रखो, धैर्य रखो और आगे बढ़ो। परमात्मा तुम्हें रास्ता दिखाएगा, संतुष्टि मिलेगी, फिर जीवन प्रसन्नता से आनंद से जियोगे।